पानी, गर्मी की बहुत। अरे ये सब तो बाद में याद आता है, सबसे पहले याद आते हैं हमारी अलमारी में रखे हुए वो हल्के फुल्के कपड़े, जिन्हें पहनने के बाद गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम, पसीना कम और आरामदायक सा महसूस होता है ना। आपको भी याद आ गए ना आपके वो हल्के फुल्के से कपड़े। लेकिन हमारी पिंकी को ये सब कहां सोचने वाला था, वो तो ले रही थी जैकेट और ठंडी में पहनने वाले कपड़े। अरे माँ मैं हनीमून के लिए मनाली जा रही हूँ, आपको पता है ना वहाँ कितनी ठंड होती है। हाँ हाँ मुझे पता है वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा, तूने सारे कपड़े अच्छे से बैग में डाल लिए हैं ना? हाँ माँ मैंने सब कुछ रख लिया है, हम लोग 10 दिन रहने वाले हैं वहाँ, कितना मजा आएगा ना। सही है, दिल्ली की गर्मी से तो शिमला में तुम दोनों को मजा ही आएगा। अच्छे तूने बाकी कपड़े भी रख लिए ना? मैंने शिमला जाने वाली बैग अलग से बनाई है और घर में पहनने वाले कपड़े अलग से वाले हैं। नई दुल्हन है ना, अच्छे अच्छे सूट डालना समझी, क्योंकि शादी के बाद सबकी नजर नई दुल्हन पर ही रहती है। मैंने सारे अच्छे अच्छे सूट ही डाले, आप देखना जब मैं पहनूंगी ना तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ और सारे गहने भी अच्छे से पहनना बेटा। हाँ माँ मुझे पता है, तुम ना ज्यादा चिंता मत करो, मैं ऐसे तैयार होंगी कि सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। चल अब तो बाकी की पैकिंग कर ले, मैं आती हूँ शादी के बाकी काम देखकर। ठीक है माँ, क्या सब कर लिया? अनुज को फोन कर लेती हूँ, पूछती हूँ सारी पैकिंग हो गई कि नहीं। हेलो, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। क्यों? अरे माँ ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और साड़ियाँ लिए, तो बस यही सोच रहा था कि तुम उन कपड़ों में कैसी लगोगी। अरे वाह, तुम देखना शादी के बाद मैं ऐसी तैयार होंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। रोज अलग अलग कपड़े, रोज अलग ढंग से तैयार होंगी मैं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ना शादी का लड्डू खाने में तो बहुत मीठा होता है, लेकिन जब उसे खा लेते हैं पचाने में बहुत तकलीफ होती है। हमारी पिंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे वाह वाह, चलो आ गए तुम दोनों घूम के, मजा आ गया होगा शिमला में तुम दोनों को। मजा तो बहुत आया माँ, वहाँ इतनी ठंडी ठंडी बर्फ थी कि पूछो ही मत। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ओले गिर रहे हो। हाँ यहाँ तो सच में बहुत ही गर्मी है, ठंडा ठंडा। अब क्या कर सकते हैं, घर तो वापस आना ही था एक ना एक दिन। तुम दोनों अभी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बहू तुम रसोई में कुछ मीठा बनाकर सबके लिए खाना बना देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आ जाओ हम ऊपर कमरे में चलते हैं। हाँ चलिए, दिल्ली की गर्मी तो देखो मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। तुम एक काम करो, नहा लो और तैयार हो जाओ, आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है, शायद तुम्हें देख खाना बना देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आ जाओ हम ऊपर कमरे में चलते हैं। हाँ चलिए, दिल्ली की गर्मी तो देखो मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। तुम एक काम करो, नहा लो और तैयार हो जाओ, आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है, शायद तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, फिर तो कुछ अच्छा सा पहनना पड़ेगा। कल क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं नहा कर तैयार होकर आती हूँ, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूँ? मेरे लिए तुम ट्रैक और टी शर्ट ही निकाल दो, इतनी गर्मी में मुझसे इतने भारी कपड़े नहीं पहने जाएंगे। इनका अच्छा है, ट्रैक और टी शर्ट पहन के बैठ गए। हे भगवान, मुझे तो भारी से सूट पहनकर रसोई भी बनानी है और घूंघट डालकर बैठना भी है। मेरे सास क्या बोलेंगे, आज तो बचा लेना राम जी। दिल्ली की गर्मी में जहाँ धूप में पापड़ रखो तो सिक जाते हैं, वहीं पिंकी ने आज भारी सा सूट पहना हुआ था, जिस पर उसने सारे भारी गहने भी पहन रखे थे। अरे वाह बहू, आज तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। अच्छा किया ये सब पहन लिया, आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है तुम्हें देखने के लिए। अब एक काम करो, सबके लिए पहले ना हलवा बना दो, फिर खाना बना देना। जी माँ जी, और रिया तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ भाभी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रिया तू नहीं कपड़े बदलेगी क्या? नहीं माँ, इतनी गर्मी है, हम तो यही नाइट सूट ही पहन कर रखेंगे बस। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मुझे भी नाइट सूट दे दो भाई। ये सूट पहनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको लपेटा हुआ हो। मेरे सास भी नहीं क्या, अब दूसरे कपड़े पहन। हाँ सही कह रही है तू, हम भी यही सोच रहे हैं कि कोई कॉटन का सूट ही पहन लेते हैं। हे भगवान ये क्या सुन रहा है, मेरे सामने सब लोग हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे हैं और मैं हूँ अपनी मौत को दावत दिए बैठी। क्या हुआ भाभी,
कब से आप कुछ सोच रही हैं? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो हम हलवा और खाना बना देते हैं। हाँ भाभी आइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। रिया और पिंकी ने मिलकर सारा खाना और हलवा सबके लिए बना लिया, लेकिन उसके बाद पिंकी की हालत गर्मी के कारण जलते हुए कोयले जैसी हो गई थी। बैठ जा बहू, बैठ जा थोड़ी देर। छी माँ जी, बड़ा शौक था मुझे गर्मी में शिमला जाने का, क्या सोचकर मैंने गर्मी में शादी की। अब ये भी नहीं कह सकती कि मैं नाइट सूट पहन के बैठू क्या, नहीं दुल्हन हूँ कैसा लगेगा अगर मैं पुराने से हल्के फुल्के कपड़े पहनूंगी तो। ये ले बेटा ठंडा है, इससे ना तुझे अच्छा लगेगा, पी ले पी ले। जी माँ जी, ठीक तो है ना बहू? तारीफ पर तारीफ। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मेरी भूख। मालिक की आरती आई है बाहर, चलिए ना अब। हाँ हाँ हम आते हैं। नहीं मैं तो एक काम कर, सबके लिए चाय लेकर बाहर आ जाना। काम हो पापा ने कपड़े वगैरह मांगे, इतनी देर में चाय कौन पीता है, ठंडा मंगवा लेते, फिर से मुझे रसोई में जाना होगा। पिंकी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन इतने सारे भारी कपड़े पहनने के बाद उसे बहुत गर्मी लग रही थी। सुने तो फिर, लेकिन अब मुंह दिखाए में तो उसे घूंघट डाल कर रहना ही था, जो उसके लिए और भी भारी हो रहा था। अरे वाह कावेरी, तेरी बहू तो काफी सज धज के बैठी है। पिंकी बहू, तुम्हारा सूट भी ना काफी अच्छा है। नहीं यार पहन के देखिए ना आंटी जी, फिर आपको पता चलेगा कैसा लगता है इस भारी सूट को पहनने के बाद। मानना पड़ेगा कावेरी, बड़ी सुंदर बहू लाई हो तो। कपड़े में ओले चांसी है, मां तुझे मालूम होता पता नहीं कब तक चांसी रहूंगा। इस गर्मी में तो मुझे लग रहा है जल के कोयले की खान बनने वाली हूं मैं गर्मी में। अरे शीला आजा, तुम भी देख ले मेरी बहू को, आजा। हाँ वो क्या ना यहाँ पर ऊपर पंखा चल रहा है, तभी यहाँ बैठी थी, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ज्यादा। हाँ सही कहा, दिल्ली की गर्मी है अभी तो ऐसी ना। तो फिर भी हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए, कभी लौटती जाएंगी, कब मैं अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहनूंगी। कुछ देर पिंकी और कावेरी से बात करने के बाद सारी औरतें जाने लगती हैं, लेकिन अब पिंकी से गर्मी और सहन नहीं हो रही थी। उन औरतों ने पैर घर के बाहर रखा ही था कि पिंकी ने भागने शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ पिंकी बहू, तू ऐसे हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ अर्जेंट याद आ गया मुझे। ये भाभी को क्या हुआ अचानक? देखते रहे, चेंज कर लेना, चेंज कर लेगा तो। ये क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? सब ठीक है ना? पहले मेरा नेट जो नहीं काम तो मैं ड्रेस निकाल के हो रहा नहीं। अरे हाँ एक मिनट सांस तो ले लो पहले। आई है जरा लोग को तुम निकाल तो मैं तो नहीं निकाल तो नहीं। ये लोग मिल गया तो बोलती हूँ। कमरे में आने के बाद पिंकी ने सबसे पहले उस सूट को उतार कर फेंक दिया और हल्के फुल्के से कपड़े पहन लिए। अब ठीक हो? बस वो हाँ, हुआ क्या तुझे कपड़े अब लग रहा है कि सारी आग बुझ गई है मेरे बदन से। तो मामले पे अरे तो तुम्हें इतने भारी भारी कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं दुल्हन, अगर मैं ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? इसे कोई अकेली नहीं है कि नहीं दुल्हन कैसे रहती? अरे ऐसे कपड़ों में तो ना तुम बैठ पा रही हो ना खा पा रही हो, हंसना तो दूर, इन कपड़ों में तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो अलग। हाँ बात सही है, पर हर नई दुल्हन को ऐसे ही रहना होता है, कम से कम शादी के कुछ महीने तक तो। तुम्हें यकीन है कि कुछ महीने इस तरह तुम जिंदा रह पाओगी? अनुज मजाक मत करो ना, अरे मैं सच ही कह रहा हूँ। अरे अनुज दरवाजा तो खोलना जरा। मारती मारती डोर खोलती मैं इनके जरा रुक मत खोलना, मैं कुछ अच्छे से पहन लूं फिर खोलना। अरे पर मरद को बोलती है ना मल मल, तो अरे इतनी देर क्यों लग रही है अनुज? अम्मा इनका डोर हां मां बस आया तीस मारती जल्दी। अरे तुम दोनों सो गए थे क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मैं शहर में। अरे नहीं नहीं बेटा, सुबह रेडी हो गए, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी, मतलब तो बुरा मत मानना। हाँ गलती हो गई क्या? आज तुमने जो कपड़े पहने थे ना वो माँ जी मुझे लगाई था सूट थोड़ा सा सिंपल था ना। कोई बात नहीं मैं कल साड़ी पहन लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं बहू सूट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी में इतने भारी कपड़े मत पहना कर, तुझे ये सब पहनते हुए देखकर मुझे गर्मी होने लगती है सच में। तो कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहना कर बेटा। जी आप नहीं नहीं मतलब अगर तुझे ये भारी कपड़े पहनने हैं तो पहन सकती है, मैं तो बस। और पिंकी सास के गले लग जाती है। अरे इसे क्या हो गया? माँ जी आप देवी हैं, देवी सच में वरदान बनकर आई हैं, आपके चरण कहाँ हैं माँ जी?
ऐसा ऐसा क्या हो गया देखा है। हंसता है उसके ऊपर।